हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का छठा चैप्टर, जो कि आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके चले जाते हो तो बोर्ड के पेपर में आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो जितना मैं यहाँ पे त्रिभुज के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बोर्ड के पेपर में कई बार यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी त्रिभुज चैप्टर को खत्म कर देंगे, और अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना है। आइए, हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको बारी बारी से हल करेंगे, और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को हल करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, जो भी ये क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और बोल रहा है कि एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज दिखाया गया है, आप यहाँ पे सभी लोग देख सकते हो, एक यहाँ पे त्रिभुज दिया है ए बी सी, और इस त्रिभुज में आपका ये जो सी है समकोण है। और आप सभी को ये प्रूफ करना है कि ए बी का जो स्क्वायर होगा, यानी कि इसका स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये 2ac के स्क्वायर के बराबर होगा। आओ इसे हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, इसको ध्यान से समझना, और बोर्ड के पेपर में इसी तरीके से आप सभी को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हल, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ठीक, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर कि दिया हुआ है। सबसे पहले जो भी हमारे पास डाटा दिया है उसके बारे में हम लिखते हैं कि दिया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें दे रखा है, जिसका कोण सी समकोण है। यहाँ पे लिखेंगे इसी में, जिसका कोण सी समकोण है, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, यहाँ पे सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ठीक। अब आप हमें ये बताओ, एक यहाँ से हमें प्रमाण मिलता है, प्रमाण ये मिलेगा, प्रमाण ये मिलेगा कि त्रिभुज जब आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यहाँ पे ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज कहने का सेंस क्या है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, बी सी और ए सी। यहां पर लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। और ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे लिखेंगे कोण और ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय, यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, ये बोलता है कि ए बी का स्क्वायर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस में
बी सी का स्क्वायर। अब बी सी के जगह पे क्या रख दो, ए सी रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा टू ए सी का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक, तो इस तरीके से बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन को हल करना है, आप आसानी से अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो। अब आइए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये भी अति इम्पोर्टेंट है और इसको यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, ठीक, उसके प्रत्येक शीर्षालंब की लंबाई ज्ञात करिए। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज दे रखा है, मैंने बना रखा हूँ यहाँ पे, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी और इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है कितनी है, 2a है। भुजा ए बी हो जाएगी, भुजा बी सी हो जाएगी और भुजा यहाँ पे ए सी हो जाएगी, और सभी भुजा की लंबाई क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2a है और ये भी क्या है, 2a है। अब यहाँ पे प्रत्येक शीर्षालंब, शीर्षालंब क्या होता है, ए से यहाँ पे एक लंब डाल दो इस भुजा बी सी पर, इसी को हम क्या बोलेंगे, शीर्षालंब बोलेंगे, शीर्षालंब बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जब ए से बीचों बीच आप एक पॉइंट डी लोगे और इसी पे एक लंब डाल दोगे भुजा बी सी पे, तो अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट डी आ गया यहाँ पे और बी डी की लंबाई यहाँ पे आधी हो जाएगी 2a का, तो ये हो जाएगा a और ये भी क्या हो जाएगा a। फिगर समझ में आ गया, जब फिगर समझ में आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब बात हल इस काम करेंगे यहाँ पे। आओ ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा कितनी है, 2a है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की जो भुजाएं हैं वो क्या है, 2a के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2a। अब यहाँ पे हम एक रचना करेंगे, यहाँ से रचना हमें ये करना है कि रचना में हमें ये दिखाएंगे कि हम यहाँ पे क्या किए, ए डी जो है किसके लंबवत है, भुजा बी सी के, हमने लंब डाला, अतः यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी और डी में यहाँ पे लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज, ठीक, ए सी डी में। अब ए सी डी में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, सेम टू सेम पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो तो क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या है, तो 2a, 2a यहाँ पे लिख दो, 2a का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का पता नहीं है तो ए डी का ऐसे ही छोड़ दो, प्लस डी सी का पता है ए स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपके ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। हम यहाँ पे ए डी स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर ये इधर का माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, ठीक, ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए डी बराबर निकाल सकते हैं, ए डी की लंबाई क्या हो जाएगी, रूट में 3a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा रूट 3 इंटू ए, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई हो जाएगी, ए डी क्या हो जाएगा, यही प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई हो जाएगी, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो बी सी की लंबाई ज्ञात करिए, बी सी इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ई एफ का लंबाई दे रखा है तो बी सी की लंबाई निकालना है। तो इसमें एक प्रमेय काम करेगा, सबसे पहले आओ इसे हल करते हैं यहाँ पे, ठीक।
क्या हो जाएगा? ध्यान सुनो, दे रखा है कि जो त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांशम है, ये दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पे प्रमेय लगाएंगे, आप सभी प्रमेय यहाँ पे 6.6 पढ़े होंगे, ठीक। अब ये प्रमेय 6.6 बोलता क्या है कि जो भी एरिया होगा किसका, ए बी सी का, अब बटे में एरिया होगा किसका, डी ई एफ का, सेकंड त्रिभुज का, वो क्या होगा इनकी भुजाओं के, यानी कि भुजा बी सी के और भुजा ई एफ के, भुजा बी सी और ई एफ के वर्ग के अनुपात में होगा इस तरीके से। तो इसका भी एरिया दे रखा है और इसका भी एरिया दे रखा है, ठीक। और भुजा यहाँ पे देखो ई एफ की लंबाई भी दे रखा है, बस खाली आप सभी को बी सी की लंबाई निकालना, यहाँ से निकाल सकते हो, आओ निकालते हैं। एरिया यहाँ पे दे रखा है ए बी सी का 64 और इसका 121, और इसका बी सी तो आपको सभी को निकालना है, और इसका दे रखा है 15.4, वर्ग कर दो तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी कि बी सी और बटे में 15.4 बराबर ये रूट में आ जाएगा, 64 बटे में 121, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बटा में 15.4 बराबर ये हो जाएगा 8/11, ठीक। और यहाँ से बी सी का लंबाई यहाँ से निकाल सकते हो कि 8/11 गुणे 15.4, ये कट जाएगा 1.1 बार में, 1.4 बार में। अब 14 8 कितना होता है 112, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 11.2 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी इसकी लंबाई है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से करना है। अब आओ जो कि 4 और 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना, और ये बोर्ड के पेपर में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक। बोल क्या रहा है कि आकृति में त्रिभुज ओ डी सी त्रिभुज ओ बी ए के सर्वांशम है, यदि बी ओ सी बराबर 125 और सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है, तो डी ओ सी डी सी ओ और ओ ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, कोण यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक। आओ हल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसका सलूशन करते टाइम हम ये सोचेंगे, हम ये सोचना है कि जो भी यहाँ पे त्रिभुज डी ओ सी और यहाँ पे अगला कोण, जो कि यहाँ पे त्रिभुज कोण यहाँ पे बी ओ सी है, यानी कि देखो इसका एक रैखिक एक रेखा पे कितना अंश का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का, तो डी ओ सी और यहाँ पे बी ओ सी ये दोनों कोण मिला के कितना हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण मिला के कितना हो जाएंगे 180, और यहाँ पे कोण दे रखा है बी ओ सी का मान दे रखा है कितना 125, तो डी ओ सी यहाँ से निकाल सकते हो 125 बराबर क्या हो जाएगा 180, यहाँ से कोण डी ओ सी बराबर तुरंत निकाल सकते हो 180 - 125, तो क्या हो जाएगा कोण डी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री, तो कोण डी ओ सी का मान तो निकल गया यहाँ से, ठीक। अब निकालना है डी सी ओ का, डी सी ओ का निकालना है, तो डी सी ओ का कैसे निकालोगे, अब हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज डी ओ सी में, अब त्रिभुज डी ओ सी में तीनों कोणों का युगफल कितना होता है 180, तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण डी ओ सी प्लस कोण सी डी ओ प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180। यहाँ पे देखो कोण ये और कोण ये तीनों का मिला करके 180 होता है। अब दो को कोण पता है तो तीसरा कोण आप डी सी ओ का मान निकाल सकते हो, डी ओ सी अभी निकाले हो 55 डिग्री, कितना है 55, और यहाँ से देखो सी डी ओ का मान क्या है, यहाँ पे देखो सी डी ओ का मान यहाँ पे 70 है, और यहाँ पे कोण डी सी ओ का मान निकालना है, तो 180 के बराबर कर दो,
तो कोण डी सी ओ बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 5, ये 5, तो कोण डी सी ओ बराबर भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक, अब हमें निकालना है कोण ओ ए बी का मान, यानी कि ओ ए बी का मान, ए का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये दिखाएंगे कि जो भी आपका त्रिभुज है डी ओ त्रिभुज ओ डी सी है, ये त्रिभुज ओ बी एक सर्वांगसम है। अब इसमें हम इसलिए दिखाएंगे कि जो भी आपका ये कोण है, कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ, और यही आपका क्या हो जाएगा 55 डिग्री। समरूप त्रिभुज हम दिखा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 55 डिग्री का हो जाएगा, जितना आपका कोण वो होगा उतना आपका कोण ये हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अंतिम नंबर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान समझना। क्वेश्चन दे रखा है कि आकृति में ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी दिया गया है, तो दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। इस समय क्या करना है, दिखाना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, अब हल करते हैं। हमारे पास दे रखा है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये दे रखा है। अतः यहाँ से हम एक बात निकाल सकते हैं, डिवाइड कर दो कि ओ ए बटे में ओ सी को डिवाइड कर दो बराबर ओ डी बटे में ओ बी कर दो। ठीक, इसी लाइन को लिख सकते हो। अब यहाँ पे साथ ही में हम ये कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि जो भी कोण यहाँ पे होगा ए ओ डी होगा, ये कोण सी ओ बी के बराबर होगा। देखो कोण ए ओ डी, ये कोण और देखो साथ ही में कोण सी ओ बी, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पर लिख भी सकते हो। ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, और एक बात हम समरूप त्रिभुज के नियम से ये दिखा सकते हैं कि जो भी आपका त्रिभुज है ए ओ डी, ये त्रिभुज सी ओ बी के समरूप है। जब सी ओ बी के समरूप हो जाएगा तो हम इसके जो भी कोण होंगे कोण ए बराबर कोण सी हो जाएंगे, और यहाँ पे कोण डी बराबर कोण यहाँ पे बी हो जाएगा। समरूप त्रिभुज के नियम से हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम सभी को करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बोर्ड के पेपर में करते हो तो आप ओवियसली अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।